सेइंग इज दैट मैं सत्संग सुन रहा था पहले, कौरी आंटी का और दूसरी एक और आंटी सत्संग कर रही थी, बड़ा अच्छा। सो हम इन अनदर वे खुशियां बांट रहे हैं, गुरुजी की दी हुई खुशियां जो हैं वो गुरुजी के साथ हम जो संगत जुड़ी हुई है या जो जो भी संगत ऐसे कनेक्ट होती है और अपने सत्संग शेयर करती है, तो वो इन ए वे यू नो वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द हैप्पीनेस व्हाट गुरुजी हैज ग्रांटेड अस, गुरुजी हैज गिवन अस। तो आई मीन ये एक मन को समझाने वाली बात है कि भावना क्या है। ये गुरुजी भी जो कह गए कि सत्संग मतलब शेयर करना चाहिए, जाहिर सी बात है सत्संग हम वही शेयर करते हैं जिसमें हमें कुछ मिला, किसी भी रूप में मिला हो। और जब कुछ मिलता है तो नेचुरली खुशी होती है। और गुरुजी ने ये सिलसिला शुरू करा दिया कि भाई जब 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 हम कोई भी गया गुरुजी के दरबार में, वेन एवर यू नो वेदर इट वॉज ड्यूरिंग हिज फिजिकल प्रेजेंस वेदर इट इज नाउ, जब भी हम पहुंचे हैं गुरुजी के दरबार में कुछ ना कुछ मिला है। देर सवेर करके मिला हो, मांगने से मिला हो, बिना मांगे मिला हो, और जिस भी कठिनाई को लेकर गए तो वो मिला, तो वो हमारे अंदर जो एक खुशी का जो जज्बा है जो गुरुजी ने दिया है, वो खुशियां हम एक दूसरे के साथ, एक जो परिवार जैसे गुरुजी कहा करते थे गुरु परिवार है ये, और गुरु परिवार के साथ हम बांट रहे हैं इनको। और जब मैं कहता हूं कुछ तो मुझे वही उसी समय का आभास होता है, मुझे उसी खुशी का आभास होता है। और जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ या आप लोग मेरे साथ, हम जब जुड़े होते हैं आप लोग शेयर करते हो, तो हमें वो सुकून मिलता है कि अरे देखो गुरुजी ने देखो कितने लोगों का कल्याण किया है और कैसे कैसे कल्याण किया। तो मैं भी वही एक एक जो आंटी सत्संग कर रही थी उनके हाउस का, तो मैं भी वही एक सत्संग मुझे याद आ रहा था उस वक्त, तो मैंने कहा चलो अब अलका ने बोला है तो मैं वही सत्संग शेयर कर देता हूँ। सी वी बॉट आई बॉट एन अपार्टमेंट, में हम जहाँ पहले वसंत कुंज में रहते थे, तो इंसिडेंटली माई एम्प्लॉयर्स दे बॉट इट फॉर मी दैट ओके यू नो आई वॉज स्टेइंग 30 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई ऑफिस नॉट लॉन्ग बैक। सो दे फेल्ट इट बैड कि भाई मतलब इतने 1 घंटा 1.5 घंटा आने में लगता है, 1.5 घंटा जाने में लगता है। सो दे बॉट अ हाउस विच वॉज क्लोज टू ऑफिस, माई ऑफिस वॉज इन साकेत, दिस हाउस वॉज इन वसंत कुंज, जहाँ इंसिडेंटली गौरी आंटी और हम एक ही ब्लॉक में रहते थे, और कई बार गुरुजी ने हमारे साथ उनका कनेक्शन जोड़ा और वी यूज टू ट्रेवल टूगेदर टू एम्पायर स्टेट। तो अब बिकॉज इट वॉज बॉट बाई बाई द कंपनी, सो यू नो द अरेंजमेंट वॉज दैट आई विल पे बैक दैट अमाउंट इन इजी इंस्टॉलमेंट्स एंड देन गेट इट ट्रांसफर्ड इन माई नेम। सो फाइन, सो वेन आई पेड दिस बैक, दिस वॉज इन लॉन्ग बैक इन 98 आई थिंक, नो 95 वी बॉट दिस हाउस, एंड अराउंड 2000 वेन आई पेड द एंटायर मनी बैक, सो आई टोल्ड द ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर टू यू नो गेट द डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर्ड इन माई नेम। नाउ अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैड हैपेंड के जो उन्होंने जो खरीद करी उसमें डॉक्यूमेंट्स में कुछ लकुना था, लोचा था, जो विच दे डिड नॉट नोटिस एट दैट टाइम। नाउ बिकॉज द डील वॉज डन 5 years बैक, नाउ आई एम टेलिंग देम टू ट्रांसफर इट, इट वॉज ऑन पावर ऑफ अटॉर्नी, तो वो नहीं हो पा रहा था उसकी वजह से। सो यू नो एनीवे अब बड़ा रिस्की लगे मुझे, मैं उनको कहूँ वो करें, वो आई मीन यू नो ऑफिस में अपने यू नो इजी पेस में सब काम चलता है, सो दे वर नॉट यू नो टेकिंग इनफ पेन इनफ व्हाटएवर। ऐसे करते करते और 5-7 साल निकल गए। अब मैं परेशान के भाई ये हाउस है, और वही वही सिचुएशन थी कि वो हाउस उन्हीं के नाम चल रहा था, जिन मतलब जिसने बेचा था उसके नाम भी नहीं था, वो किसी और के नाम पे था। सो वो करते करते अब मैंने कभी गुरुजी से कहा नहीं इस बारे में, बट आई वुड प्रे, मैं कहा गुरुजी ये बड़ी अड़चन आई हुई है तो सॉल्व कराओ, नहीं तो मतलब किस दिन ये ना हो आके मुझे वो कहें जी आप घर खाली करो यहाँ से। सो ये सिचुएशन चल रही थी, तो अब गुरुजी समाधि भी हो गई, महासमाधि हो गई, खैर एनीवे गुरुजी से अरदास लगी रही। अब इट जस्ट अबाउट 5 years 6 years बैक दिस वॉज अल्टीमेटली डन,
गुरु जी से अरदास चलती रही। एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई थी कि ये तो मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज द इशू वॉज जो जो प्रॉपर्टी ओनर था उसकी डेथ हो गई, द फ्लैट फ्लैट गॉट ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ वाइफ एंड टू चिल्ड्रन हु वर यू नो स्मॉल चिल्ड्रन यू नो किड्स एट दैट टाइम 5-6 ईयर्स। अब वो बच्चे भी बड़े हो गए, मैं एक बार गया भी उनसे मिल के आया, वो कहने लगे जी नहीं, बट एक अच्छी बात ये हुई कि उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा ठीक है वो आप हमें वापस कर दो या हम ये कर लें, उन्होंने कहा जी हमने जो करना था कर दिया, अब हम कुछ नहीं करेंगे, आप अपने एंड पे अगर आप कुछ मैनेज कर सकते हो तो कर लो। Anyway, that was first step of, you know, some assurance coming to me कि भाई ये तो अब जाओ DDA के चक्कर काटो, ये करो करो, somebody is demanding 5 lakh rupees, somebody is demanding 10 lakh rupees, somebody is saying something, because उनको पता है ये जो जो प्रॉपर्टी 5 लाख में खरीदी 8 लाख में खरीदी थी वो अब उसके दाम पे बढ़ गए, they have gone into crores। तो anyway, अब एक दिन मतलब मैं यू नो माय डॉटर गॉट मैरिड, मैं बड़ा फ्रस्ट्रेशन था कि भाई, और घर वाले भी पुश कर रहे हैं भाई चलो हम चलते हैं, सारे मिलके चलते हैं, उस ओनर से बात करते हैं, आई वाज अवॉइडिंग देम कि भाई ऐसा ना हो। सो अल्टीमेटली एक दिन यू नो जब गुरु जी से मतलब आगे बैठ के अरदास लगाई तो बहुत मतलब अपनी परेशानी जाहिर करी, तो उसका नतीजा ये हुआ कि एक महीने बाद जिसको मैंने काम सौंपा हुआ था, जो एजेंट था उसका मेरे को फोन आया, कहने लगा जी अब वो जो नोटिफिकेशन एक गवर्नमेंट से आना था वो आ गया इस संबंध में, तो आप ऐसा करो आप करके डॉक्यूमेंट आ जाओ मेरे पास, मैं करवा दूंगा। ठीक है, गए उसके पास, उसने मेरे को बोला कि जी वो जो बंदा है जो DDA वाला वो आपसे मिलना चाहता है, बिकॉज देयर बी लॉट ऑफ फेक केसेस दिस दैट। ठीक है, मिल लेते। तो मैं उसके पास गया, उसने कहा आप कहाँ इनके चक्रों में पड़े हो, इफ यू आर द जेन्युइन पर्सन टेल मी, आई विल विजिट योर होम दिस दैट, और ये मैं आपका काम मैं कर दूंगा, बट यू विल हैव टू पे मी वॉट एवर इट वॉज 1/10 ऑफ व्हाट यू नो व्हाट अदर पीपल आर वर आस्किंग। सो बात यह है कि मुझे ये सत्संग इसलिए याद आ गया बिकॉज आंटी हैड अ सिमिलर सत्संग, एब्सोल्युटली सिमिलर सत्संग। Although, you know, there the owner was, you know, quite cooperative, pushed by Guruji. यहाँ तो owner था नहीं, मिल भी नहीं रहा था, उसका कोई अता पता भी नहीं हो रहा था। तो वो काम बड़े smoothly ऐसे हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो एक government से एक notification आया, which was very much unlikely. I mean, government एक ऐसा मतलब notification issue कर दे कि भाई अच्छा ऐसे केसेस जो हैं जहाँ ये ऐसे पावर ऑफ अटॉर्नी मदर ने दी है और उनके बच्चों के नाम है, उनकी कोई NOC की या उनके कोई फर्दर यू नो एग्रीमेंट टू सेल की उन पे साइन, उनके साइन की जरूरत नहीं। आई मीन दिस वाज समथिंग वेरी रियली अमेजिंग। सो देयर यू सी गुरुजी's इंटरवेंशन यू नो एट एवरी पॉइंट ऑफ योर लाइफ एवर सिंस वी कम अक्रॉस वी मेट गुरुजी। बात सही है, तब उससे पहले भी गुरुजी थे बट हम हमारे तो ज्ञान में नहीं थे ना, वो हमारे को तो नहीं पता था। सो जब से गुरुजी ने ये एहसास दिलाया दैट आई एम देयर, आई एम गॉड, आई एम एवरीथिंग, तब से मतलब हर चीज में यू नो जो लाइफ सीधी सीधी भी चल रही होती है ना उसमें भी गुरुजी की इंटरवेंशन है। जो लाइफ टेढ़ी होकर के सीधी होती है उसमें तो है ही है, ये नहीं सोचे कि यू नो अच्छा मेरे को ये 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 कैंसर हुआ या मेरे को ये हार्ट प्रॉब्लम हुई और वो गुरुजी ने ठीक करी। अगर हार्ट प्रॉब्लम नहीं भी हो रही तो वो भी तो गुरुजी की कृपा है, या कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो वो भी तो गुरुजी की कृपा है। तो यही एक बात मानने वाली बात है, और इसमें मतलब एक जब भरोसा हो जाता है ना आपको किसी कोई भी हो तो फिर आप यू नो फिर आपके यू नो द पीस ऑफ माइंड सेट्स इन भाई अब नाउ जो भी काम होगा यू नो आई मीन जैसा हम लोगों में देखते हैं कि यू नो वी आर फैमिली ओरिएंटेड पीपल, जब तक घर के बड़े मदर फादर बैठे होते हैं तब तक हमें भरोसा सा रहता है कि हाँ ये यू नो हमको कुछ ऐसा कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं, कोई यू नो फ्यूचर प्लान करने की जरूरत नहीं, वो हमारी देख रेख कर रहे हैं यू नो। तो ये आई थिंक यही एक बात है। तो आई थिंक
I mean, I don't recall anything else to tell you all. So that's it. जय गुरु जी मेरी ड्यूटी लगी जो सेवादार पहले चाय प्रसाद की ड्यूटी कर रहे थे तो उनको गुरु जी ने कुछ और ड्यूटी लगाई और उन्होंने पूछा कि मैं किसको लगा तो उन्होंने कहा वो गोपाल सेवा करता रहता है तो उसको लगा दें गोपाल करेगा तो वहां का हाँ जी मैं पूछ लेता हूँ नहीं नहीं पूछने की लोड़ नहीं कह दे तो मेरे पास मैसेज आ गया कि भाई ये कल से तुम्हारी ड्यूटी है ठीक है जी ओके गुरु जी का आदेश था और देखो बिफोर आई टेल यू द रेसिपी मतलब गुरु जी कराते कैसे हैं आई वॉज इन अ प्राइवेट जॉब विच इज गारमेंट एक्सपोर्ट रिलेटेड जॉब जिसमें यू नो आज के इस कोविड टाइम पे भी यू नो लॉट ऑफ कंपनीज हैव मूव टू वर्क फ्रॉम होम बट इन आर इंडस्ट्री द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ यू नो इज रिक्वायर्ड बिकॉज You have to, at every stage, there is human intervention. कोई आपको color approval देनी है या कोई कपड़े की feel की approval देनी है या garment की look की approval देनी है कुछ करनी है so it is required. My office was in Udyog Vihar Gurgaon. Guruji, मैं वसंत कुंज से office जाता था office से यहाँ आता था. Now in garment export, the job requirement is that आपके आने का टाइम तो ठीक है जाने का क्या टाइम है यू नेवर नो वॉट एवर पोजिशन यू मे बी चेयरमैन ऑफ द कंपनी यू मे बी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बट बिकॉज सी एंड यू नो दैट दीज मार्केट्स गारमेंट एक्सपोर्ट मार्केट्स आर इन अमेरिका यूरोप जहां हमारी शाम जब हो जाती तो वहां काम शुरू सो व्हाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू इन डिटेल कि भाई गुरु जी अगर सेवा लगाते भी है तो करवाते भी है वो सारे रास्ते खोल देते हैं Now this was, you know, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, and if I don't start at 5:15 from my office, I won't be able to reach by 6 at Empire State. And 7 baje to sangat aana shuru ho jati hai itna pehle se. So believe me, this was I think 2-3 years back, you know, when Guruji took Mahasamadhi. Wo 2 saal ka samay mere kisi सबॉर्डिनेट ने नहीं पूछा कि आप क्यों जल्दी चले जाते हो मेरे बॉस ने नहीं पूछा कि भाई वो उनका कभी कॉल नहीं आया कि हाँ जी ये काम हो रहा है नहीं हो रहा सो गुरुजी पेव वे फॉर यू नो डूइंग दिस सेवा वेरी मतलब ये कहना आसान है बयान करना आसान है लेकिन सोचना मुश्किल है कि 2 साल आपको कोई और एक दिन एक ऐसा इंसिडेंट भी हुआ कि वो जो जहां गारमेंट फिनिशिंग होती है वहां एक इक्विपमेंट होता है बॉयलर जो मतलब अगर उसमें थोड़ा सा भी वो केमिकल्स भी पड़े होते हैं थोड़ा सा वो मिसमैच हो गया तो वो ब्लास्ट हो जाता है सो इट हैपेंड वन डे एट आवर फैक्ट्री मैं उस दिन आया हुआ था सेवा कर रहा था तो मैं वो मेरे पास फोन आ गया गुरु जी का मैं गुरु जी के पास गया मैं कहा गुरु जी मैं जरा ऑफिस होके आना है ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई अच्छा क्यों है आग लगी है किस तरह अब उन्होंने ये बोला किस तरह और जब तक मैं वहां ऑफिस पहुंचा तब तक एवरीथिंग वाज सेटल्ड मतलब कोई देयर वाज नो इंजरी नो यू नो आई मीन मनी लॉस नथिंग वो एक्सेप्ट फॉर दैट इक्विपमेंट जो ब्लास्ट हुआ वो तो हो गया बट अदर देन दैट देयर वाज नो मिसहैप नो कैजुअल्टी एंड आई केम बैक एंड मैं जाके माथा टेका तो गुरुजी स्माइलिंग एट मी हो गया काम मैं कहा हां जी हो गया सो ही मैनेज दैट सो एनीवे सो दिस इज द यू नो स्टोरी आई वॉन्ट टू टेल दैट यू नो जिसके भी कोई सेवा अगर जिम्मे में आती है तो ये मेक श्योर दैट यू एक्सेप्टेड विदाउट एनी हेजिटेशन एंड गुरु जी विल टेक केयर ऑफ दैट गुरु जी विल इंश्योर दैट यू आर देयर टू परफॉर्म दैट सेवा सो एनी वे सो आई स्टार्टेड डूइंग दिस सेवा 2-3 बार में मतलब 2-3 दिन ही हुए थे तो मुझे वो राजेंद्र अंकल जो डी जे अंकल जिनको कहते हैं वो शब्द चलाते थे तो वो मेरे को आके कहते हैं गोपाल जी थ्री आ गए मैं कहा हाँ जी मैं आया करो ना तो गुरु जी में मथा टेक लिया करो गुरु जी जो है वो शाम को मतलब आके मतलब स्नान करके वो वहां बैठ जाते थे साइड बोर्ड पे या नीचे ही कारपेट पे बैठे हुए और जो भी सेवादार हैं कोई आसपास घूम रहे हैं उनको जो भी डायरेक्शन देनी है कुछ बोलना है वो बोल के तो ये सब चलता था बट आई वॉज लिटिल हेजिटेंट क्योंकि मुझे ऐसा आदेश नहीं था कि मैं बिफोर टाइम गुरु जी की संगत के से पहले जा करके और उनके मतलब वो किसी सेवादार से क्या बात कर रहे हैं कोई और संगत भी बैठी है क्या कर रहे हैं
मैं थोड़ा हेजिटेंट था, मैंने कहा नहीं अंकल मेरे को तो कोई ऐसा आदेश नहीं है, मैं आ जाता हूँ टाइम पे और मैं कर। केप्ट क्वाइट। 2-3 दिन बाद फिर आए वो, तुसी वो मथा टेक टेकन गए नहीं गुरु जी, वो बार बार पूछ देने सन। मैं कहा अच्छा अंकल आज तो हो गया, हम मैं कल जावांगा ते कर। सो नेक्स्ट डे आई वेंट, आई नो आई वाज स्टिल हेजिटेंट, बट एनीवे बिकॉज़ आई मतलब ये मेरे को भी अच्छा नहीं लगा कि गुरुजी मेरे लिए ये पूछे कि आ गए, हालांकि उनको पता तो सब है, बट मतलब ये कोई एज्यूम करने की बात नहीं है कि वो गुरुजी जानते नहीं थे, लेकिन उनका पूछने का कारण ये था कि यस इफ आई एम ऑन ड्यूटी आई मस्ट रिपोर्ट माय मार्क माय अटेंडेंस देयर एंड देन कम टू परफॉर्म द जॉब। तो अगले दिन मैं गया, जैसे ही गुरु जी आके बैठे आवाज आई मुझे, मैं अभी वो किचन के रास्ते से गया मतलब, तो उन्होंने देखा मेरी तरफ और जैसे ही मैं मुड़ के चलने लगा आवाज दी, गोपाल शादी ड्यूटी तेरी लगी कहाँ। पहली बात उन्होंने जो मेरे से कही, बढ़िया चाय बनाया घर संगत वास्ते, मतलब जस्ट जस्ट सी हाउ केयरिंग हाउ लविंग ही हाउ अफेक्शनेट ही संगत को अच्छी चाय मिले। अच्छा मतलब इंसिडेंटली उसको थोड़ा मौसम भी सर्दी का सब था अब गरम गरम है सब। देन ही टेल्स मी अच्छी चाय बनाकर वो 1 2 3 4 5 6 यू नो स्टेप्स ही टोल्ड मी। अब एक तो मतलब मैं ऑल दो आई एम पंजाबी बट मुझे भी इतनी बुरी पंजाबी तो नहीं समझ में आती थी, और गुरुजी इतना स्पीड से बोलते थे कि यू नो हाफ ऑफ द थिंग विल क्रॉस ओवर। तो मैं अब हिम्मत ये नहीं हुई कि मैं जाकर के उनसे दोबारा पूछूं, बट यू नो गुड थिंग वाज दैट आई कुड हियर द यू नो इन बिटवीन जो जो वर्ड्स वो कह रहे थे वो मैंने सुने ध्यान से, और मैंने आकर के माथा वहां चाय प्रसाद को हाथ जोड़े, मैंने कहा गुरु जी जो समझ में आई उसको मैं कड़ी जोड़ के मैं आज बनाता हूँ, आप उस पे ब्लेसिंग करना। और वो सो उस दिन से वो जो चाय बननी शुरू हुई, इट वाज अ सॉर्ट ऑफ यू नो आई इफ आई हैव टू यू नो कोरिलेट द डिस्क्रिप्शन, कि जैसे आप यू नो इफ यू गो टू कैफे कॉफी डे लेट्स से और एनी कॉफी शॉप एंड यू नो द टेस्ट यू गो टुडे और टेस्ट यू गो आफ्टर 1 ईयर इट्स आइडेंटिकल। So this is what precisely happened. Guruji told me, I'll narrate here and then you know text you also. Guruji told me ke pani pehle rakho, oh, achi tarah oh, boil hon de onu. Ode baad ode you know add milk to it, you know, and let again it reach a boiling point. Then add whatever spices, you know, elaichi, moti elaichi, jo dalni hai wo sab dalo. Usko fir thoda sa ek stir hone do, and then sugar and last mein चाय पत्ती, और उसके बाद अच्छे से वो यू नो ब्रू होनी चाहिए, बॉयल होनी चाहिए, कच्ची नहीं रहनी चाहिए। सो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड एंड आई फॉलोड दैट इंस्ट्रक्शन एंड द रिजल्ट्स आर अमेजिंग। यू नो आई शुड नॉट बी सेइंग दिस बट दिस मस्ट बी टोल्ड बिकॉज ये गुरु जी की कृपा थी, मेरा कुछ नहीं। आई मीन आफ्टर दैट वेन एवर सपोजिंग आई यूज टू गो टू समबडीज हाउस एंड यू नो वहां सत्संग हो रहा है, वो चाय प्रसाद उनको पता था ये चाय प्रसाद की ड्यूटी इनकी रहती है, वो कहते सो बाय द टेस्ट ऑफ इट दे विल से आज गोपाल अंकल ने बनाई है चाय। तो दिस इज गुरुजीज ब्लेसिंग, यू नो दिस इज गुरुजीज ब्लेसिंग। आई एम नॉट हियर यू नो आई आई यू नो से गुरुजी माफ करना मतलब, बट दिस वाज टू बी कन्वेड टू अंडरस्टैंड दैट गुरुजी किस किस चीज में कितनी कितनी बारीकी में वो हमको ब्लेस करते थे, और ये ब्लेसिंग वाज फॉर एंटायर संगत एक्चुअली। और जो मोटी इलायची का जो इंसिडेंट है वो दिस हैपेंड लिटिल लेटर। एक दिन मेरे को बुला के कहते हैं कि चार्ज की पाने में जी इलायची छोटी इलायची और यू नो व्हाटएवर कभी कभी वो दालचीनी डाल दी, इसे वो जो करते रहो मोटी इलायची पाएगा। ये सब ठीक है, तो मोटी इलायची उस दिन से डालनी शुरू हो गई। Or you know, of course, I would do it in a ratio because you know if you add an entire moti ilaichi or whatever, it will become bitter. So, तो जब वो सर्दियाँ खत्म हो गई तो मैं गुरुजी के पास गया, मैं कहा गुरुजी वो मोटी इलायची सर्दी तो खत्म हो गई, उन मोटी इलायची फिर भी पानी है, ऐसे तो सर्दी गर्मी थोड़ी है, ऐसे blessing है। So what he meant was it was not for any particular you know 1 day or 1 month or 2 months or 3 months. It is forever. So this is what Guruji's you know chai recipe is, and Guruji sabko
सबको ये चाय प्रसाद और जो इलायची में जो उनकी मोटी इलायची में जो उनकी ब्लेसिंग है सबको मिले, सारी संगत को मिले. थैंक यू सो नाइस ऑफ यू. आई होप यू नो संगत जी आपको आई वॉज वर्किंग विद द सेम कंपनी जिसकी मैंने बात कर रहा था. तो देयर वाज अ मीटिंग प्लान इन इन अमेरिका आई थिंक न्यू जर्सी स्टेज स्टोर्स करके कंपनी. So this was through a buying agency called Lean Firm here. तो उनके through कुछ business की बात चल रही थी तो उन्होंने कहा ये चले जाओ इस दिन meeting है, which was to happen you know जिस दिन वो planning शुरू हुई 3-4 weeks after that. तो anyway वो agency ने letter भेजा, buyer की तरफ से approval आ गई, वो मेरा visa भी हो गया America का. तो मैं I mean because since I was in seva, तो I thought it appropriate to tell Guruji. मैं कहा Guruji के पास मैं गया माथा टेका. मैं कहा गुरुजी वो मुझे ना कुछ दिन बाद 10 दिन के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा. अच्छा भाई बड़ी टॉर हो गई तेरी. सो गुरुजी आई मीन वुड मेक यू स्माइल थ्रू हिज यू नो इमीडिएट यू नो प्रॉम्प्ट वन लाइनर्स. तो मैं शर्माया तो एनीवे ही डिडंट से एनीथिंग आफ्टर दैट एंड ठीक है. सो दिस वाज ऑन अ संडे संडे इवनिंग. तो मैं वो करके सो ऑल प्रिपरेशंस आर गोइंग ऑन. मंडे व्हेन आई रीच्ड ऑफिस सो देयर वाज समथिंग यू नो पजलिंग यू नो आई फेल्ट के ये जो हमारा जो जिससे कनेक्ट हो रहा है दिस इज नॉट अ राइट मैच. सो आई शुड नॉट बी यू नो प्लानिंग दिस. तो मैंने अपने बॉस को कॉल माय एमडी. उसने बोला यार अब मतलब ऐसा क्या है कौन सी को यू नो वी आर नॉट स्पेंडिंग अ फॉर्च्यून on this visit. So, go, देखो होता है नहीं तो और भी एक दो कस्टमर है उनसे भी मिलाना. So, अच्छा जी. तो anyway, but, you know, somehow, पता नहीं मेरा माइंड क्यों चेंज होना शुरू हो गया. तो थर्सडे को जब मैं गया सेवा संगत में सेवा में जब मैंने माथा टेका तो गुरु जी कहते हैं वो आया अमरीका. मैं कहा नहीं गुरु जी वैसे थे वो जाना सी यू नो अगले हफ्ते पर वो मैंने लगता कैंसिल हो जाएगी. कह रहे कैंसल हो नहीं जाएगी कैंसल करा देती गई वो कोई लोड नहीं जान दी. सो जस्ट सी हिज वेज. आई मीन अभी तक मुझे ये नहीं पता वो क्यों कैंसल गुरुजी ने क्यों कैंसल कराई क्या देखा उन्होंने. आई मीन ही डिडंट टेल मी एनीथिंग फर्दर बट ही जस्ट मेंशन मी कोई लोड नहीं जान दी वो कैंसिल करा दी गई. सो आई एम you know it is for sure that it was in my benefit or overall benefit. So ye baat hai ab dekho guruji se aagya lete hain agar you know permission de di to aa jayenge kya.